हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का है और मनी डेटा टाइप कैसे यूज करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आप ओपन कर लीजिए, यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ये मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन करते वक्त ये आपको ध्यान रखना है कि आपका सिस्टम नेट से कनेक्टेड हो, उसमें नेट चल रहा हो। देखिए यहाँ पर कनेक्शन के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ कनेक्टेड पे मैं क्लिक कर दूंगा। अगर कनेक्ट होगा तो आपका सिस्टम नेट से तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब फिर हमें डेटाबेस बनाना है, तो यहाँ डेटाबेस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ न्यू डेटाबेस पे चलते हैं। मैं इसे एक नाम दे देता हूँ, इस डेटाबेस को अपने ही नाम से सेव कर लेता हूँ उसको। तो ये सूरज नाम दे दिया मैंने और ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, डबल क्लिक जब मैं करूंगा तो यहाँ नीचे सूरज नाम से ये डेटाबेस आ गया। अब इस पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेबल दिखाई पड़ेगा, और टेबल दिखाई पड़ेगा तो यहाँ पर राइट क्लिक करके और फिर हमें टेबल बना लेनी है। तो कुछ इस तरीके से हम टेबल बनाने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी आएगी, ठीक है। आप कुछ और भी दे सकते हैं, आप आईडी भी दे सकते हैं। डायरेक्टली प्रोडक्ट आईडी कर देंगे तो एक प्रोडक्ट का बार बार आप नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आईडी कर देता हूँ, ठीक है। और ये अलाउ नल से टिक हटा देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोडक्ट का नेम करूँगा। तो ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट और फिर ये अंडरस्कोर दे करके लिखा नेम, तो ये प्रोडक्ट नेम हो गया, ओके। और फिर इसे एन कैर डेटा टाइप रखेंगे और यहाँ से अलाउ नल से टिक हटा देता हूँ। अब यहाँ पर बात करेंगे प्राइस की, तो देखिए यहाँ पर मैं मनी डेटा टाइप को यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा मनी, तो ये एम ओ जैसे मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पर मनी आ जाएगा। तो मनी डेटा टाइप हमने ले लिया है प्राइस के लिए। अब यूनिट के लिए भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मनी डेटा टाइप ले सकते हैं, लेकिन अभी यूनिट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप लेते हैं, ठीक है। और ये अलाउ नल से टिक हटा देते हैं और यहाँ पर बस इतनी ही चीजें हमें रखनी है अभी, ठीक है। और अब हम इसको क्लोज करते हैं, ये जो डेटाबेस हमने लिया था और ये टेबल जो हमने बनाई है इसको क्लोज करते हैं। टेबल वन नाम आ रहा है, टेबल वन के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा जो आपने बनाया है, तो थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे जाके ये देखिए, अगर आपको न दिखाई पड़े तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे तो जो टेबल आपने बनाया है वो आपको नज़र आने लगेगी। लाइक टेबल वन ये मैंने बनाया था तो ये नज़र आ रही है। यहाँ से हमें क्या करना है, एडिट टॉप 200 रोज इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आईडी, ठीक है। तो ये आईडी वन हो गया। प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे देना है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इसकी विथ बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जाएंगे और इसको ड्रैग कर देंगे तो ये विथ बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ कीबोर्ड, ये लिख दिया कीबोर्ड, और कीबोर्ड की प्राइस है 300 रुपए, ठीक है। और ऐसे ऐसे 20 कीबोर्ड परचेस किए गए हैं, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब आईडी सेकंड कर दिया मैंने और यहाँ पे कर देता हूँ माउस, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया माउस, और माउस की प्राइस है 200 रुपए, ठीक है। और ऐसे ऐसे 40 माउस परचेस किए गए हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ऐसे ही थर्ड जो है उसका नाम है एलईडी, ठीक है। तो एलईडी परचेस किया गया है और एक एलईडी की कीमत है 12,000 रुपये, ठीक है। और ऐसे ऐसे 23 एलईडी परचेस किए गए हैं, ठीक है हम। और अब इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से क्लोज कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसके लिए क्वेरी बनानी है, तो यहाँ पर आपको न्यू क्वेरी दिखाई पड़ेगा, यहीं पे चलते हैं, यहीं से बना लेते हैं क्वेरी। तो हमारे जो टेबल है उसका क्या नाम है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट और यहाँ लगाएंगे इनटू फ्रॉम, कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं हम, कौन से टेबल से, तो यहाँ पे कर देंगे हम टेबल वन, टेबल वन ही नाम था शायद, तो ये टेबल वन कर देंगे। अब जैसे ही टेबल वन करेंगे तो और इसको टर्मिनेट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जैसे ही मैं इसको एक्सिक्यूट करवाऊंगा तो ये टेबल वन की पूरी डिटेल नीचे आपको दिखाई पड़ेगी, जिस तरह से मैंने दिया था फिल किया था वो डिटेल आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन टोटल अभी नहीं आ रहा है, टोटल कैसे आएगा वो दिखाता हूँ। देखिए मनी डेटा टाइप का क्या फायदा है, अब देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ, देखिए काम तो ये ऐसे ही करेगा जैसे अन्य डेटा टाइप्स करते हैं। आप कैलकुलेट करने के लिए जो अन्य डेटा टाइप्स लेते हैं, इंटीजर लेते हैं, फ्लोट लेते हैं, काम वैसे ही करेगा, लेकिन डेटा टाइप अलग है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ सेलेक्ट, अब हम चाहते हैं ये सारी चीजें आए, ठीक है। क्या क्या चीजें आए, मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट नेम आए, तो यहाँ पे लिखा मैंने प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम NAME, तो ये हो गया प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और अब कॉमा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रोडक्ट नेम के बाद हम चाहते हैं प्राइस और यूनिट भी हमें दिखाई पड़े, तो यहाँ लिखा मैंने प्राइस कॉमा यूनिट, इस तरीके से हमने लिख दिया।
और अब कॉमा दे देंगे, और कॉमा देने के बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है और यहां पर प्राइस इनटू यूनिट कर देना है। तो ये हमने कर दिया प्राइस इनटू यूनिट, ठीक है। तो ये कर दिया हमने प्राइस इनटू यूनिट, और अब इसको टाइटल क्या दे देंगे, एज टोटल। तो ये एज टोटल कर दिया हमने, और एज टोटल करने के बाद हमें ये भी बताना होगा कि ये कौन से टेबल से है। तो यहाँ पे फ्रॉम टेबल वन कर देंगे, ये लिख दिया टेबल वन, ठीक है। तो बस इतना ही करना है हमें, और अब इसको टर्मिनेट कर देना है। और अब आप देख पाएंगे कि इसका टोटल भी होकर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, आइए देखते हैं। एक बार इसको रन कराया, अब यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हैं कि ये 300 में 20 को 300 में 20 को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट लेके आ जा रहा है इजिली, ठीक है। तो इस तरह से आप मनी डेटा टाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं और इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अगर आप मनी डेटा टाइप का भी यूज कर लेते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।